साल की शुरुआत धमाकेदार होनी चाहिए, धुआंधार होनी चाहिए, एक्शन पैक्ड होनी चाहिए और पठान के साथ होनी चाहिए। As wishing all of you a very very happy new year. Don't forget to watch Pathan 25th January onwards at your nearest cinema. साल की शुरुआत धमाकेदार सी होनी चाहिए, मगर लगता है इस बार धमाका नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसी अपडेट सामने आ गई है जिसे जानकर आप लोग भी बोलेंगे आखिरकार मेकर्स कर क्या रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है जो आखिरकार पठान फिल्म के ट्रेलर को लेकर इतनी मुसीबतें सामने आ रही है। मुसीबत क्या है मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। जो आज 1 जनवरी नए साल के मौके पर सभी फैंस को इंतजार था पठान फिल्म के ट्रेलर से रिलेटेड कोई पोस्टर या ट्रेलर का प्रीमियर लगाया जाएगा। 2 जनवरी के ट्रेलर को लेकर लोगों में इंतजार बना हुआ था, मगर अब टेलर लगता है आना नमकीन जैसा लग रहा है। टेलर को डेट आगे खसका दी गई है और बताई जा रही है कि जनवरी के सेकेंड वीक में टेलर आने वाला है। जी हाँ, सेकेंड वीक मतलब डेट फाइनल अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि कौन सी डेट को आएगी, और मैं आप लोग को ऐसे ही कोई सा डेट नहीं बता सकता हूँ। मगर कारण मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि इसके जहां तक टेलर को पोस्टपोन क्यों किया गया, इसके पीछे कारण क्या है। तो आप लोग को बताना चाहूंगा कि पठान मूवी को सेंसर बोर्ड को दिखाया गया। सेंसर बोर्ड ने पहले ही ऑलरेडी पठान मूवी पर कैची कई सारे सीन पर चला दिया है, कई सारे सीन के कलर चेंज करने के लिए बोला गया। जी हाँ, आप लोगों को ऑलरेडी मैंने पहले ही जानकारी दे दिया था। मगर जब टेलर को लेकर टेलर में भी कुछ सीन बदलने के लिए बोल दिया गया था ऑलरेडी, मगर अब फिर फाइनल टेलर फिर से तैयार कर दी गई और टेलर में दो सेकेंड का एक सीन है जिसमें कलर को लेकर फिर से सेंसर बोर्ड ने उसे चेंज करने के लिए बोल दिया गया है। जब फाइनल इतनी ज्यादा रुकावटें सामने आ रही है टेलर और पूरी फिल्म को लेकर, आखिरकार क्यों? वेल, जहां टेलर को लेकर नई साल की नई जोश के साथ शुरुआत हुआ था, उस जहां तक जोश की उम्मीद पर सभी फैंस जहां तक इंतजार भी कर रहे थे, मगर अब लगता है कि इस तरह की हालात के बाद फिल्म को लेकर क्या होगा। मुझे तो लगता है कि आखिरकार फिल्म के हर एक सीन को काट ही देना चाहिए और बाकी प्रोमो दिखा देना चाहिए लोगों को, जहां तक सेंसर बोर्ड को बैठा देना चाहिए कटिंग के लिए, कलर चेंजिंग के लिए, बस उनको बैठाकर उनके सामने वो चीज करना चाहिए। जहां तक सेंसर बोर्ड ही जो चाहेंगे वो चीज हो पाएगा, बाकी फिल्म को लेकर उसके मेन जो हिस्से हैं उसको काट के हटा देना चाहिए। बाकी जो बचेगा फिल्म तो कुछ टुकड़े दिखा दिए जाएंगे पब्लिक को और बाकी खत्म वहीं, बस लोगों को यही दिखाने के लिए सेंसर बोर्ड बैठे हुए हैं। सेंसर बोर्ड चाहते क्या है आखिरकार हमको समझ नहीं आता है। जहां तक जितनी रुकावटें खड़ा करना है वो कर रहे हैं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें राजनीतिक जहां तक पांव लगाए जा रहे हैं, हाथ लगाए जा रहे हैं और इसे पूरी तरह से पठान फिल्म को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग सोच सकते हैं कि सेंसर बोर्ड के जहां तक एक ही बार या जहां तक एक बार उसे क्लेंट करके एक बार फिनिश किया जाता है सेंसर बोर्ड के दिन, मगर इस मूवी को लेकर दो बार सेंसर बोर्ड के पास गया है। आप लोग सोच सकते हैं क्यों, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। बट देखना अब इंतजार रहेगा कि टेलर कब आएगा। मैं टेलर को लेकर मैं कोई अपडेट नहीं दे सकता हूं भाई, मूड स्टाफ ऑफ हो गया, मैं क्या ही बताऊं। मैं इतना ज्यादा खुश था, इतना ज्यादा एक्साइटेड था, जितना आप हैं उससे भी ज्यादा एक्साइटेड था, मगर ये अपडेट आने के बाद मेरा पूरी तरह से मूड ऑफ हो गया है और मैं क्या एक्सप्लेन करूं। जहां तक मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भाई जो कर रहे हैं वो करो, फिल्म को लेकर मैं जितना मतलब एक्साइटेड हो रहा था उतना आप लोग बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। भाई टेलर को लेकर धमाल होना चाहिए था, मगर इतनी बड़ी रुकावट हम जानते हैं कि शाहरुख खान के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। भले आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है अपना अपना ओपिनियन जरूर देते जाइएगा।